यहाँ से राजा महाराजा उस समय एंट्री करते थे चंद्रभंज देव की जो फोटो है जो यहाँ बस्तर के महाराज थे। पत्थर ले लिया, इसको अब थोकते हैं, आवाज आता है। महिषासुर वध के समय जो पैर रखा था शेर ने, तो यहाँ कुछ ऐसी निशानियाँ भी हैं उनके पैरों के निशान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो भाई आज मैं आ गया हूँ बड़े डोंगर। तो दोस्तों बहुत प्राचीन समय में राजा महाराजाओं का जमाना था, तो उस समय कहा जाता है कि बड़े डोंगर में उनका निवास होता था। तो चलिए इसी बात पे आज मैं यहाँ एक्सप्लोर करने आया हूँ इस जगह पे, और जानने की इच्छुक रहती है कि वास्तव में है या नहीं, तो कुछ उसकी निशानियाँ यहाँ देखी जाती है। तो चलिए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए चलिए आज हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं और जानने की कोशिश करो देखने की चीज़ क्या क्या है वास्तविक में यह जगह में। उस ज़माने में राजा महाराजा रहा करते थे, तो चलिए इस चीज़ की जो निशानियां हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। देख सकते हैं भाई मैं पहुंच गया हूं उस जगह स्थल पे जहां पर निशानियां मौजूद होने के संकेत मिलते हैं। और इस साइड है भाई बहुत प्राचीन तालाब जिसे बूढ़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है, ये राजा महाराजाओं के ज़माने का तालाब है। लो भाई यह है तालाब, कुछ इस तरह से बना हुआ है। और इधर देखेंगे कुछ पहाड़ियाँ इस तरह से बनी हुई हैं, ऐसा लगता है कुछ चीज़ ना उठा के एक प्रकार का व्यवस्थित टाइप का रखा गया, ऐसा टाइप का दिखता है। और चलिए आगे देखते हैं क्या क्या निशानियाँ आप हम लोग को देखने को मिलती है। और इसी एरिया में बताया गया है कि उस वह निशानी देखने को मिलता है। हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से हम लोग को कुछ निशानियाँ देखने को मिल रहा है, तो चलिए आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से यहाँ गेट बना हुआ है, गेट नुमा की आकृति दिख रही है, शायद ये इनका प्रवेश द्वार रहा होगा। और कुछ पत्थरों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है उस ज़माने में। और देख सकते हैं कुछ कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, और यहाँ कुछ पुराने ज़माने की ईंटें दिख रही है। और ये देख सकते हैं ये है गेट, शायद यहाँ से राजा महाराजा उस समय एंट्री करते थे। और देखो भाई कुछ यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं पुराने ज़माने में जो यूज़ किया जाता था उस तरह का मटेरियल। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि परवीर चंद्र जो भंजदेव जो बस्तर के महाराज थे उनका परिवार यहाँ निवास करता था, शायद उनका बचपन भी यहीं बीता ऐसा माना जाता है। और समय समय पर डोंगरगढ़ आके महाराज माँ दंतेश्वरी की पूजा आराधना किया करते थे ऐसा माना जाता है। देखो भाई यहाँ तो पूरा झाड़ी में अभी भर गया है, ऐसा माना जाता है यहाँ लगभग 350-400 साल पहले यहाँ उनका महल हुआ करता था। और ये देख सकते हैं ये झाड़ी है जो फूल नुमा झाड़ी है जो बड़े बड़े उग चुके हैं, तो इनके अंदर से हम लोग को जाना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पूरा ईंट का जो ढेर है वहाँ लगा हुआ है, पूरा एकदम टीला की तरह बन गया है पूरा, ये जो ऊंचा दिख रहा है आपको पूरे ईंट के हैं, ये देख सकते हैं ये है पूरा ईंट जो यहाँ भरा पड़ा है। शायद उनका यहाँ महल था या कह सकते हैं एक गेस्ट हाउस की तरह था जो महाराजा यहाँ आना जाना करते थे। ओ भाई साहब इधर तो पूरा झाड़ियाँ भर गई है भाई, और पूरे तरफ बिखरे हुए हैं ये देख सकते हैं, ये है पत्थर। ये भाई हम लोग पीछे की तरफ आ गए हैं, कुछ पीछे कुछ इस तरह से दीवार आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की कुछ निशानियां हैं उस समय के। उस समय के राजा महाराज इस जगह को राजधानी के रूप में मानते थे,
ऐसा माना जाता है। और इस साइड में आपको एक जूम करके दिखाता हूँ, इस पहाड़ी पर एक शिव मंदिर है, वहाँ जाना बड़ा दिक्कत है क्योंकि वहाँ पर रास्ता ही नहीं बना है जाने का, तो वहाँ कोई नहीं जाता ऐसा बताया जाता है। और इस साइड में है भाई माँ दंतेश्वरी का मंदिर, अभी हम वहीं जाने वाले हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग माँ दंतेश्वरी मंदिर की ओर आ चुके हैं। तो यहाँ कुछ सीन कुछ इस तरह से है, तो हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर चुके हैं, तो हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पर कुछ सेट इस तरह से बनाया गया है, यहाँ आने वाले के लिए आराम करने के लिए ये सुविधा बनाई गई है। कुछ ही दूरी पर सीढ़ियाँ चढ़े, लेकिन हम लोग गर्मी के कारण पूरा पसीना पसीना हो गया भाई। और यहाँ देख सकते हैं जो गेट है, और यहाँ शेर बने हुए हैं दो, और यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो जाता है। और देख सकते हैं है मुख्य मंदिर, और यह है कुछ उस समय की प्राचीन मूर्तियां, और यहाँ बहुत सी लिखावट में है। यह है मुख्य मंदिर, तो यहाँ माँ देवी की मूर्तियां विराजमान है, और इस तरह से यहाँ का मंदिर का जो प्रांगण है ये देख सकते हैं, और यहाँ बाजा रखी हुई है। ये है परमवीर चंद्र भंज देव की जो फोटो है, जो यहाँ बस्तर के महाराज थे। प्राचीन मूर्तियाँ स्थापित हैं जो यहाँ की भव्य संस्कृति को दर्शाता है, जो प्राचीनतम है। हम प्रवेश करने जा रहे हैं, ये देख सकते हैं माता के दर्शन कर लीजिए घर बैठे, और यहाँ के पुजारी हैं। अब माता के दर्शन के बाद अब ऊपर चढ़ते हैं, और वहाँ से दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा, जो वहाँ से किस तरह से दिखता है, और कुछ प्राचीनतम निशानियाँ देखने को मिलती है। चलिए आप उसको एक्सप्लोर कराते हैं। ये है भाई यहाँ मंदिर, और उसके बाद इधर पहाड़ शुरू हो जाता है, और यहाँ से देखिए भाई यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। आपको यहाँ बहुत सारे तालाब दिखेंगे, जो बहुत से तालाब तो राजा महाराजा जमाना के बनाया हुआ है, और उसके बाद कई सारे निर्माण कराया था उस समय के महाराज। अब हम ऊपर सीढ़ी के माध्यम से चढ़ते हैं भाई, काफ़ी धूप भी लग रहा है। चलिए हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ देखने से यहाँ कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है भाई। मेरा सांस फूल गया है ऊपर चढ़ते चढ़ते। यहाँ इस तरह का पत्थर देखने को मिलता है, जो टुंटनी पत्थर भी कहा जाता है। यहाँ नाना लोग सिक्का चिपकाते हैं, अपने किस्मत को आजमाते हैं, जिसका लक होता है उसका सिक्का चिपक जाता है, ऐसी मान्यता है। और इसको ठोकने से ना बहुत सारी आवाज़ निकलती है। चलो हम लोग भी ट्राई करते हैं। ये है भाई पत्थर ले लिया, इसको अब ठोकते हैं, आवाज़ आता है। इधर दूसरा आवाज़ आ रहा है, इधर कुछ दूसरा आवाज़ टाइप का निकल रहा है। तो इस तरह से है भाई इसका किस्सा। तो भाई यहाँ से देख लो एक बार एक नज़ारा बड़े डोंगर का, जो आपको दूर दूर तक देखोगे तो बहुत सारे आपको तालाब छोटे बड़े आपको दिखाई देंगे, पूरे हैं ना, पूरे राज घराना जमाने के हैं वैसा बताया जा रहा। इस जगह पे माँ दंतेश्वरी ने राक्षस का वध किया था ऐसा माना जाता है। उस राक्षस का नाम था महिषासुर, ऐसी किंवदंती कहानियाँ
बताया जाता है। तो चलिए उसकी कुछ निशानियाँ आपको दिखाते हैं जो आज भी मौजूद है कुछ साक्ष्य के रूप में। अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर है माँ दंतेश्वरी के जो पैरों के निशान देखने को मिलता है वहाँ ऊपर में, तो वहीं जाएंगे अभी। और उससे पहले आपको कुछ निशानियाँ भी दिखाते हुए चलेंगे। यहाँ देखो भाई कुछ निशानियाँ हैं, ये है शेर के पंजे। महिषासुर वध के समय जो पैर रखा था शेर ने, तो यहाँ कुछ ऐसी निशानियाँ दिखती है। और यहाँ लिखा गया है शेर का पंजा। इस तरह की बहुत से ये निशानियाँ देखने को मिलती है, यहाँ पर कुछ निशान किया गया है। यहाँ तो कुछ मिट गया है, ठीक से नहीं दिख रहा है। और यहाँ लोहे की सीढ़ियाँ बनाया गया है भाई ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ इस तरह से बैरिकेड किया गया है चारों तरफ, ताकि यहाँ से कोई दुर्घटना होने का चांस ना रहे, तो इसलिए चारों तरफ बैरिकेडर लोहे की किया गया है भाई। और इस साइड है पैरों के निशान देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं। यहाँ पूजा अर्चना की गई है और ये है उनके पैरों के निशान, ऐसा माना जाता है। तो देख लीजिए भाई। और इस साइड कहा जाता है महिषासुर का वध स्थल माना जाता है इस जगह को, जो खड्डा दिख रहा होगा आपको। अब मैं यहाँ से ऊपर से आपको दिखाता हूँ यहाँ का शानदार व्यू, जो यहाँ का फेमस व्यू पॉइंट मान सकते हैं। यहाँ से देख सकते हो भाई कई किलोमीटर तक दूर से तक देखा जा सकता है, जो एक शानदार व्यू देखने को मिलता है। जो यहाँ का जो एरिया है ख़ास जगह बनाता है यहाँ व्यू पॉइंट, यहाँ से सब एरिया में आप देख सकते हैं आसानी से। भाई मैं अब नीचे आ चुका हूँ और काफ़ी गर्मी लग रहा था ऊपर, तो अभी नीचे आया तो कुछ ठंडा महसूस हो रहा है। तो यहाँ दिखाता हूँ भाई कुछ देखने लायक चीज़ें, जो यहाँ अब आते हों तो आप ज़रूर यहाँ आनंद लीजिए। तो देख सकते हैं भाई यहाँ है फिसल पट्टी, जो यहाँ से ऊपर से फिसलेंगे तो सीधा यहाँ नीचे आ जाएंगे, हो सकता है आपका जींस भी फट जाए, तो सोच समझ के ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ व्यू पॉइंट या और टाइम स्पेंड के लिए बनाया गया है इस तरह का बैरिकेड, और कुछ बैठने के लिए इस तरह से है यहाँ। ये देख लो भाई बैठने की व्यवस्था है आप लोगों के लिए, यहाँ आराम से बैठ सकते हैं और यहाँ का नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। और इस साइड में भी आप चहलकर्मी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से था आज का वीडियो, आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।